जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिस ज्ञान सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमसे खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही गुप्त मंत्र विधान के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र और इस प्रयोग के आप उपयोग जो है जन ही जन कल्याण के लिए करेंगे। जब आपके पास में किसी प्रकार का कोई रास्ता ना रहे, शत्रु बार बार परेशान करता हो, तो ही इनका प्रयोग करें, क्योंकि दोधारी तलवार है। यदि आपने नेक व्यक्ति सही व्यक्ति पर यह प्रयोग किया तो आपको उसका दंड जरूर मिल जाएगा और आपका ही अहित होना आरंभ हो जाएगा। इसलिए उपयुक्त हो और यह जो न्यायपूर्ण हो तो ही इनका प्रयोग कीजिए। एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक आता है दुल्हा विधान। दुल्हा विधान होता है एक ऐसा विधान, यदि किसी व्यक्ति पर या कोई शत्रु पर कर दिया जाए तो जिस दिन यह प्रयोग करेगा उस दिन से उस व्यक्ति का अहित होना आरंभ हो जाता है, पैसे की कमी होना आरंभ हो जाता है, उसके व्यापार सब बंद हो जाते हैं और वह व्यक्ति किसी भयानक रोग ग्रस्त हो जाते हैं। ये इतना खतरनाक यह प्रयोग है, इसलिए सावधानी पूर्वक करें। यह बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप इनके बारे में जान सको और इसके निराकरण के बारे में जान सको कि हो सकता है आपके ऊपर प्रयोग किया गया हो तो उसको कैसे करेंगे। मैं दोनों बताऊंगा, प्रयोग कैसे करते हैं, इसके इसको निजात कैसे पाते हैं, इसको ठीक कैसे करते हैं, दोनों बताऊंगा। वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को यह जानकारी अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आरम्भ करते हैं वह प्रयोग क्या है। यह प्रयोग है किसी भी व्यक्ति के ऊपर में मसान को बैठा देना, मटिया को बैठा देना, नेगेटिव ऊर्जा को उसके घर में प्रवाहित करवा देना, चौकी लगा देना, वहाँ बैठा देना परमानेंट। जब तक वह प्रयोग वहाँ पर रहेगा तब तक के उस व्यक्ति के घर में अहित होना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी कोई व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, शनिवार या फिर मंगलवार के उस दिन उसके मृत्यु हुआ हो तो यदि चीता जला देते हैं तो उसका एक छोटा सा हड्डी प्राप्त कर लेते हैं। लेने जाते समय में 3 अगरबत्ती जला करके एक परिक्रमा करके मैं आपको लेने आया हूँ बोल करके एक उसके हड्डी को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में उस कंकाल को निकालने के बाद में अब उसको लाल कपड़ा या काला कपड़ा में लपेट करके किसी पीपल के पेड़ में उसको ऊपर में टांग देना है ताकि कोई मत देखे, पहला। दूसरा, जब कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो वहाँ कफन होता है, कफन लगाते हैं, वह कफन आपको प्राप्त कर लेना है, लगभग 1 फुट का, इतना बड़ा छोटा रहेगा तो भी चल जाएगा, ले लेना है। उसके बाद में कोई लोहार है वहाँ से जा करके एक कोयला आपको ले आना है, अगर 5 कोयला मिल जाता 5 कोयला, नहीं तो 1 कोयला आपको ले लेना है। कुम्हार घर से आप एक पूरा यानी कच्चा दिया, यह बड़ा रहेगा छोटा रहेगा चलेगा, वो आपको एक ले आना है। और किसी ब्राह्मण के घर से वहाँ जा करके, वहाँ से ब्राह्मण घर ना हो तो किसी मंदिर में जा करके, काली मंदिर या भैरव मंदिर, वहाँ से थोड़ा सिंदूर या बंदन आपको ले आना है। अब उसके बाद में इसमें 5 प्रकार का फूल, जिसमें अड़हुल का फूल, पीला फूल, यदि ना मिले तो एक ही प्रकार का 5 फूल ले लेना है, अड़हुल का ले लेना है। और आपको इसमें तालाब का बहते हुए जल आपको ले लेना है, तालाब का जल हो या फिर बहते हुए नदी है वहाँ से जल ले लेना है। उसको 5 जगह 7 जगह हो तो चलेगा, नहीं होगा तो एक ही जगह का ले आना, ला करके आपको सब सामान इकट्ठा कर लेना है। अब आपको कारी पीरी चाउर बना लेना है, पीला कलर, यदि काली पीरी ओरिजिनल ना मिले तो पीला कलर रंग देना हल्दी से और कोयला से काला कर लेना है। अब एक काला कपड़ा 100 मीटर का लेना है। अब आपको एक मटका ले लेना है, काला वाला मटका लेना है, उसमें चारों दिशा में त्रिशूल छाप देना है। यह हो गया। जिस दिन आपको यह प्रयोग करना है उस दिन आपको अब उसको कैसे कैसे करना है ध्यान से सुनिए। शत्रु का पैर का मिट्टी आपको मिल जाए तो, या फिर सिर के बाल या फिर कपड़ा,
ले लेते हैं, ले लेना है। और मटके को लेकर गड्ढा को पहले खोद लें और वहाँ सबसे पहले जल छिड़क दें, 5 अगरबत्ती जला दें और वहाँ बैठ करके आपको गणेश गुरु सरस्वती गुरु मंत्र का यदि का मंत्र का जाप करें, देवी देवता का आवाहन करें, अपने इष्ट देवी देवता कुल देवी देवता का आवाहन करें और उसके बाद शरीर बंधन कर लें। शरीर बंधन करने के बाद में काल घेरा बंधन कर लें और उसके बाद में आपको बैठ जाना है। फिर गणेश का सुमरण करके हुए फूल देना है उस गड्ढे में थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद में एक दीपक जलाना है, मिट्टी के दीपक उसके जस्ट बगल में जलाना है। बंगला पत्ता, लौंग, इलायची और तीनों पत्ता में एक एक नींबू देना है। देने के बाद में उस मटके में आपको जो सामग्री आपको बताया गया है उस सभी सामग्री को उसमें डाल देना है। डालने के बाद में उनको उस गड्ढा में स्थापित कर देना है और एक कपूर को वहाँ पे उसके अंदर में जला देना है। जलाने के बाद में आपको लेना है एक काला कलर का मुर्गा। अब मुर्गों को लेना है और चावल के साथ में मिला देना है। चावल के साथ सफ़ेद चावल उसको मिला देना है उसके पैर की मिट्टी को। यदि ना हो तो सिर के बाल है तो भी वहाँ पर रख देना है और उसको मिला देना है। और इसको मसान, वीर मसान के नाम से आपको दाना चराना है। दाना जैसे चुग लेगा उसके बाद में उस मुर्गी को या उस मुर्गा को, लड़की के लिए मुर्गी और लड़का के लिए मुर्गा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उस मटके में भर देना है, मटके में डाल देना है। मटके में डालने के बाद में उसको ढक्कन से कैद कर देना है, वो जीवित रहेगा, कैद कर देना है। और उसके बाद में उसको गड़ा देते हैं। गड़ाने के बाद में ऊपर से आपको काली पीली चौर को मंत्र पढ़ पढ़ के आपको मारना है, उसके ऊपर में 7 बार मारना है, उसके बाद छोड़ देना है, बस इतना करना है। अब हो गया। लास्ट में एक नींबू या फिर देसी अंडा या फिर अंडा, उसको लास्ट में, नींबू है तो काट दो और अंडा है तो एक ही झटका में तोड़ करके बस। इसको, इस प्रक्रिया को एकांत में करो, क्योंकि जब तक वो बंद रहेगा तब तक प्रभावशील रहेगा। जैसे उसको निकाल देंगे प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। यह है एक विधान। उसमें जो दीपक है कच्चा वाला उसको भी उसके अंदर में डालते हैं, जितना सामग्री सभी को उसमें डाल देना है, बस इतना ही करना है। अब यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर में, किसी व्यक्ति के ऊपर में यदि इस तरह का प्रयोग किया है, अब उसको कैसे ठीक करना है इसका विशेष ध्यान रखें। इसके लिए आपको 7 तालाब का पानी, 7 गांव का सिवाना का मिट्टी, 7 पत्ता, बेल पत्र हो गया, बरगद का, नीम का, पीपल का, इस तरह अलग अलग 7 पत्ता, 7 बंगला पत्ता, 7 लौंग इलायची, 7 हल्दी, 7 सुपारी, इन सबको एक एक करके लेकर के सभी को एक पत्ता में करना है। लौंग इलायची, 1 लौंग इलायची, 1 लौंग, 1 इलायची, सुपारी, हल्दी, नींबू और 7 प्रकार के फूल, वो लेना, बस वो पकड़ करके और उसके बाद में उसके शरीर से उतार देना है। ऐसे 7 बार उतारेंगे, सबको साथ साथ करके उतार देंगे और सभी को लेकर के जल में प्रवाहित कर देंगे। तो कोई भी उसका यदि इस तरह से किया गया हो वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ में काटनी मंत्र है, उस मंत्र का प्रयोग कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ इसका मंत्र कौन सा है। मंत्र इस प्रकार है। मरघट के पिन, छछुंदर के खाल, ओढ़ ले बिलतोबा चले बाजार, चितोही के लाल, पर के पोसवा घर के रखवार, जिया भेजा वहाँ जाबे, बैरी घर डेरा डाल, खात मर डेकार, टोनही बैया के डीह उखाड़, तब कहावे बितोबा भैंसा सुर के लाल, दुहाई मंजरी माता के, कसम दुल्हा देव के छू। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का प्रयोग करना है। एक विशेष बात, आप जो है यह प्रयोग को शनिवार के रात्रि, अमावस्या के रात्रि, हरियाली यानी सावन का अमावस्या, जेठौनी, पोरा, दीपावली के रात्रि और होली के रात्रि, इस दिन ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपातकालीन हो तो शनिवार के रात्रि को या फिर अमावस्या को कर सकते हैं। यह जानकारी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन को प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में मिल सके। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए